फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जितने भी गार्डनर होते हैं ना, हम लोग जब गार्डन में जाते हैं तो पूरी दुनिया के लोग जो होते हैं वो फूल तोड़ते हैं, जिनको फूल पसंद है, फूलों से प्यार है। और जो गार्डनर होते हैं, असली गार्डनर होते हैं ना, तो वो ये बीज ढूंढते रहते हैं, बीज यानी सीड्स ढूंढते रहते हैं, जिससे कि उनके जो है ना जेब हल्का रहे और उनके पास जो है ना अपने घर में लगाने के लिए ना पौधे रहे। तो जो हम गार्डनर होते हैं वो कभी भी फूल नहीं तोड़ते, हम सूखे फूल तोड़ते हैं। और आपको अगर असली गार्डनर बनना है और आपकी बजट गार्डनिंग करनी है ना, तो आप भी कभी भी गार्डन में जाए और आपको कहीं भी सूखे फूल के बीज मिल जाए ना, जैसे इस तरीके से आप जो फूल लेके आ रहे हैं, कहीं भी फूल दिख रहे हैं तो उसके ना सूखे सूखे फूल का सर्च करिए, जैसे ये सूखे फूल। तो मैं जो होती हूँ ना, ऐसे सूखे फूल ही लेके आती हूँ, और मेरे को लगता है सारे गार्डनर ऐसे सूखे फूल ही लेके आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंजॉय भगवानी और अनामिका का। मेरे सारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे फूलों की जिसको कि आपको सालों साल खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक भी फूल इसके पौधे लेके आ जाएंगे ना, कहीं से भी नर्सरी से, या फिर उसकी सीड लेके आ जाएंगे, बीज लेके आ जाएंगे, तो आपको वो जीवन भर नर्सरी में जाके अपने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके सीड को जब इस तरीके से मैच्योर हो जाएंगे वो, तो आप उसको तोड़ के रख लीजिएगा इस तरीके से। तो तोड़ के रखने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि एक तो आपके जो पौधे हैं वो बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे, और उसके साथ एक और फ़ायदा है कि आपके पास मुफ्त के जो है ना, जो आप ऑनलाइन सीड्स मंगाते हैं या फिर पौध नर्सरी से लेके आते हैं, उसका भी खर्चा बच जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो है ना, आपके गार्डन में ना मल्टीपल बहुत ज़्यादा तादाद में आपके पास पौधे तैयार हो जाएंगे, अगर आप सीड से पौधे तैयार करते हैं तो। तो फ्रेंड्स, उसी को कुछ प्लांट्स को मैं शेयर करने वाली हूँ। और ये देखिए, ये जितने भी सारे मेरे पौधे हैं ना जो आपको गार्डन में दिख रहे हैं, ये सारे मेरे सीड से ही तैयार हुए हैं। और अनलिमिटेड पौधे हैं मेरे पास, मतलब कि गिनती नहीं है। और इतने ज़्यादा पौधे हो जाते हैं कि ये देखिए, ये इसमें ना कम से कम 10 पौधा होगा, और संभाल नहीं पाते हैं, और बाद में मुझे किसी किसी को देना पड़ता है। तो आप भी अगर चाहते हैं तो इन प्लांट्स की जो है ना सीड कहीं भी मिल जाए, तो एक सीड लेके आ जाइए, या फिर एक पौधा आप नर्सरी से लेके आ जाइए स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको कभी भी नर्सरी में फालतू का खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको बस सेव करके रखिएगा, इस तरीके से सूखे सीड्स निकाल लीजिएगा और सेव करके रखते रहेगा। तो फ्रेंड्स, उसी में सबसे पहला प्लांट है, ये है गिलाडिया। और गिलाडिया के देखिए, इस तरीके से अपना सीड्स को रख लीजिए, जितने भी सीड्स हैं उसको आप तोड़ लीजिए। तो मैं ना आपको तोड़ के बताती हूँ, तोड़ के शेयर करती हूँ, और उसको नीचे से तोड़िएगा ताकि जो है ना, और इसको 2-3 दिन धूप में रख लीजिएगा। तो मैं ना इन हरे सीड्स को भी तोड़ लूँगी, क्योंकि इससे जो है ना फ्लावरिंग हमारी रुकी हुई है। और इसको ना, इस तरीके का जो हरे सीड्स है ना, इससे आपके फ्लावरिंग प्लांट तैयार नहीं होंगे, सीड्स नहीं बनेंगे। इस तरीके से जो ब्राउन पूरी तरह से पक जाते हैं ना, उस सीड्स को आपको तोड़ने की ज़रूरत है। और इसको आप कहीं भी छीट देंगे तो आपके जो छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो उसी में गिलाडिया है, और गिलाडिया में आप जो है ना फ्लावरिंग ज़्यादा चाहते हैं, तो ये हरे सीड्स को एक दो, हमारे लिए एक दो काफ़ी रहते हैं, इसी में आपके कम से कम 50-60 पौधे तैयार हो जाते हैं। तो हम ना इसके सारे ग्रीन सीड्स को भी तोड़ लेते हैं, और वो हमारे जाएंगे कंपोस्ट में, और ये ब्राउन वाले हमारे चले जाएंगे सीड के, सेव करके रख लेंगे हम। फ्रेंड्स देखिए, कुछ हरे जो मैंने जो है ना डेड फ्लावर्स तोड़ दिए हैं, और ये जो है ना, ये सीड के लिए ठीक नहीं है, इसको हम डालने वाले कंपोस्ट बिन में। और ये जितने पौधे हैं इसको हम डालने वाले, इसको हम रखने वाले हैं सीड के लिए। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे पौधे के जितने भी डेड फ्लावर्स हैं जो कि खिल चुके हैं, उनको तोड़ दिया है। उसके लिए सबसे अच्छा गिलाडिया पौधा है। उसके साथ सेकंड प्लांट है फ्रेंड्स, ये सनफ्लावर के। तो सनफ्लावर में देखिए कितने सारे सीड्स तैयार हो गए हैं, इसके भी हम सीड्स तोड़ लेंगे। तो इसकी भी सीड्स जो है ना हम यहाँ से तोड़ लेंगे, क्योंकि इसमें एकदम फ्लावरिंग नहीं होने वाली है यहाँ तक। तो ये ना ब्रांच के जहाँ तक जो है ना आपकी फ्लावरिंग हो गई है, वहाँ तक आप तोड़ लीजिए इस तरीके से आप। और ये सारे सीड्स को ना आप कलेक्ट करके, अगर आप पहचान नहीं पाते हैं तो अलग अलग रखिए। जैसे कि मैं ना पहचान लेती हूँ किस सीड्स के, किस पौधे के सीड्स हैं, तो मैं उनको रखूँगी। और आप जो है ना, एक दिन ऐसा करिए कि एक दिन इस सीड्स को तोड़िए फ्लावरिंग प्लांट के, तो ये देखिए इस तरीके से ना आप सारे जो है ना प्लांट की ना जो है ना डेड हेडिंग कर दीजिए। डेड हेडिंग यानी कि ये खिल चुके हैं, अब ये नहीं खिलने वाले हैं। तो ये जो है ना अपनी ग्रोथ जो है ना नए फ्लावर्स को बनाने के लिए नहीं रोकेंगे। तो मैं क्या करी, ये देखिए यहाँ से मेरे जैसे कि कली, और यहाँ पूरी मेरी खिल चुकी है, तो यहाँ से मैं
इनको तोड़ ले रही हूँ। तो सनफ्लावर जो है ना, ये भी बहुत लंबे समय तक खिलता है और इसके भी सीड से ना बहुत अच्छी पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इस सबको भी मैं काट लेती हूँ। देखिए ये वाला जो है ना, ये टाइनी जो है, ये पूरी तरीके से अब ओल्ड हो चुकी है और इसमें अब फ्लावरिंग नहीं खिलने वाला है, तो मैं इसको पूरी तरीके से तोड़ लूँगी। तो इससे क्या होता है, हमारे ये जो पौधे की जो है ना एनर्जी सेव होती है। और ये देखिए यहाँ से खिल चुका है, इसको मैं पूरा तोड़ूँगी। ये देखिए, और इस इन सब पौधों को तोड़ने में ना कुछ फ्लावर्स भी टूट जाते हैं, तो आप डरिए नहीं। ये ऐसा करने से जो है ना, जैसे हमारे हेयर होते हैं न्यू कटिंग के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ लेती है, उसी तरीके से ना हमारे पौधे भी, अगर आप इसको कटिंग करेंगे ना तो उसकी जो है ना बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो जितने भी मेरे जो हैं पौधे जो हैं वो स्टेम जो है ना वो खिल चुके हैं, डेड हो चुके हैं, अब उसमें फ्लावरिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे वैसे जो है ना स्टेम को मैं ब्रांचेस को निकाल ले रही हूँ। और इसके बाद क्या होगा, इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना फर्टिलाइज़र ऐड कर दूँगी। वैसे तो मैं अपने किसी भी प्लांट में ना एक बार जो है ना फ्लावरिंग हो जाता है तो मैं फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करती हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ना प्लांट हमारे जो है ना पूरी तरीके से अच्छी अपनी जो है ना ट्रिमिंग ले चुके हैं और हमारे सीड भी कलेक्ट हो रहे हैं। देखिए सीड भी हमारे कलेक्ट हो रहे हैं और प्लांट की भी ट्रिमिंग हो गई है। और देखिए कितनी छटाई करने के बाद कितने अच्छे प्लांट होते हैं, उसमें नए नए ब्रांच निकलेंगे। और जो फ्लावर जो है ना वो ख़राब होंगे ना, उनको भी मैं काट काट के निकाल रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट है जिसकी सीड हम कलेक्ट करके रख सकते हैं, वो है जीनिया। तो जीनिया की टॉल वाली वैरायटी है। देखिए इसके जो है ना सीड पूरी तरीके से पक गए हैं, ये देखिए। तो इनको भी मैं तोड़ के रख ले रही हूँ। और ये जो सीड है ना, ये जितने भी सीड्स हैं ना, इनको मैं कम से कम जो है ना एक दो दिन तक जो धूप में, अभी तो एक दिन में ही धूप में ये जो है ना ये बहुत अच्छी जो है ना ये सूख जाएंगे। और इनको ना मैं ऐसे धूप में रखूँगी। और देखिए सीड जब तोड़ते हैं ना तो आपके सीड्स नीचे भी गिर जाते हैं। और जितने भी सूखे जो फूल हैं ना उनको मैं ऐसे ही कटिंग करके निकाल देंगे हम, क्योंकि अब इनकी जो है ना ग्रोथ ख़त्म हो गई है। यहाँ पर देखिए ये जो है ना, इसके ही सीड्स जो है ना हम निकाल दे रहे हैं। इसकी भी वैसे तो मैं सीड्स रखी हूँ, मगर हमको इतना सीड हम रख के क्या करेंगे, हमको थोड़ी ना इसको मार्केट में बेचना है। तो ये देखिए इस तरीके से, और इसकी जो है ना ग्रोथ बहुत अच्छी होती रही। तो उसी में जीनिया एक फ्लावर है जिसकी आप सीड उतार के रख सकते हैं। उसी के साथ फ्रेंड्स, इसकी सीड मैंने पहले ही रिमूव कर चुका है और आपको एक दिखाने के लिए मैं दिखा दूँ। मैरीगोल्ड होती है, जितनी भी देसी वाली वैरायटी होती है या फिर होती है आपकी जो हाइब्रिड वैरायटी, ये इस तरीके से ना ब्राउन ब्राउन सीड्स होते हैं। और ये जो ब्लैक जब हो जाती है तब जाके अगर आप इसको मिट्टी में डाल देंगे तो बहुत अच्छी जो है ना आपकी ना पौधे तैयार हो जाएंगे। तो मैरीगोल्ड भी एक ऐसा फ्लावर है जो कि आपके सालों भर खिलता है। जो देसी वाली वैरायटी होती है ना वो सालों भर आपके जो है ना बहुत अच्छी जो है ना फ्लावरिंग करता रहता है। तो इसकी भी सीड आप सेव करके रख लीजिए और इनको सूखा फूल बस मत समझिए। ये आपके जो है ना पैसे बचाने का एक जरिया है, आपको बार बार नर्सरी से ना पौधे खरीदने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट प्लांट जो है फ्रेंड्स, वो है विंका सदाबहार। उसकी कोई सी भी जो है हाइब्रिड वैरायटी या फिर देसी वैरायटी, इसकी भी सीड्स, इसके जो फ्लावर खिलने के बाद ना साइड में स्टॉक में लग जाती है। जैसे कि ये जो है ना मैच्योर हो जाएगी तो यहीं से सीड हो जाएगी। मेरी वीडियोस में आप देखेंगे बहुत सारे जो है ना ऐसी ही सीड्स लगे हुए हैं। और ये देखिए, इसको मैं ऐसे फेंक दूंगी ना तो छोटे छोटे पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। इसको फिर कटिंग से आप लगा लेंगे ना तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते रहेंगे। और ये देखिए यहाँ पर गिलाडिया के बहुत सारे जो है ना सीड्स तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मुझे अभी ट्रिमिंग करनी है सारे लोगों को ना, अब सीड्स को निकालना है। तो ये जो है ना पांच जो है ना मैंने पौधे शेयर किए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए लिली जो हम ऑनलाइन मंगाते हैं ना, तो लिली की भी इसी तरीके से सीड्स तैयार हो जाती है। और इसको आप निकालेंगे तो ये देखिए ये है लिली। और इस लिली से ना अगर आप इसको मिट्टी में डाल देंगे तो बहुत छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाएंगे। मेरे जितने भी पौधे हैं ना वो सारे ना इसी तरीके से मल्टीप्लाई करती रहती हूँ मैं। सीड के थ्रू बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करती हूँ, बल्ब के थ्रू भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और इन सीड्स को आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है, पहले तो आपको इसको धूप दिखा देना है एक दो दिन। उसके बाद इसको अगर आप मिट्टी में डालेंगे तो आपके बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ना आप भी जो है ना नर्सरी के जो पौधे लाने के खर्चे से बचिए। और हमारे पास इतने सारे पौधे तैयार हो जाते हैं कि आपका कितना बड़ा लॉन हो ना वो आप कितने पौधे खरीद के लाएंगे, एक, दस, बीस,
भाई 100 पौधे आपके तैयार हो जाते हैं। सीड से अगर आप पौधे लगाना चालू करेंगे ना तो आपके पास स्पेस नहीं रहेगा, गमलों की कमी पड़ जाएगी और आपका बहुत बड़ा लॉन है तो आप तो हैप्पी गार्डनर बन जाएंगे। और इस तरीके से आप कुछ कुछ फूल हैं जैसे कि ये गिलाडिया हो गया, मैंने शेयर किया, फिर ये विंका हो गया, और उसके बाद जीनिया हो गया, जीनिया जो छोटी वैरायटी है, या फिर सनफ्लावर हो गया। इस तरीके से आप सीड तैयार, और जितने भी गार्डनर होते हैं ना वो इसी तरीके से अपने गार्डन में बहुत सारे पौधे लगाते हैं। आपको क्या लगता है कि वो बहुत सारे हर्बा नर्सरी से खरीद के लाते हैं? एक असली गार्डनर की पहचान है कि वो कम बजट में, कम खर्चे में बहुत अपने गार्डन को सजा ले। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो जो होगी आपको बजट फ्रेंडली लगी होगी और अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी होगी तो आप भी इसी तरीके से जो है ना सीड्स को कलेक्ट करिए। हम जब बाहर जाते हैं तब हम जो है ना गार्डन में सीड की, जैसे कि सब लोग फूल तोड़ते हैं ना, तो जो गार्डनर होते हैं वो फूल नहीं तोड़ते हैं, वो ना सीड्स देखते हैं कि कहीं सीड्स तो नहीं है जिससे कि हम ले लें, हमारे पास एक और कलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।